नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वी नेचुरल चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मनोकामना पूर्ति का एक टोटका लेकर आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, मनोकामना आपकी कोई भी मनोकामना हो सकती है, आपके प्यार से रिलेटेड, आपकी शादी से रिलेटेड, आपके जीवन की कोई भी समस्या। अगर आप सफलता नहीं मिल रही है, आप कोई परीक्षा दे रहे हैं पास नहीं हो रहे हैं, कोई जमीन का विवाद चल रहा है, घर में कोई कलह चल रहा है, सुख समृद्धि शांति, मतलब किसी भी प्रकार की अगर कोई आपकी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, आप काफी प्रयास कर रहे हैं, काफी परेशान हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं पर वो पूरी नहीं हो रही है, तो आज जो मैं आपको टोटका बता रही हूं ये आप करके देखिए, आप खुद कहेंगे आपको चमत्कार दिखेगा। कौन कहता है कि चमत्कार नहीं होते। अगर किसी भी टोटके को, किसी उपाय को तरीके से किया जाए, बिल्कुल एक प्रॉपर मेथड से, प्रॉपर श्रद्धा से, आस्था से किया जाए तो वो ज़रूर पूरा होता है। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ टोटका क्या है, कैसे करना है। वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊँगी जो इस टोटके के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इसको लास्ट तक ज़रूर देखना, एक एक बात को ध्यान से सुनना, आप खुद देखेंगे चमत्कार, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो पर मूव ऑन करते हैं, मगर उससे पहले मैं आप लोगों से कह दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी हिट कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर इसी तरह के कई सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप देख सकते हैं आपको लगातार आई बटन पर भी लिंक शो होते रहेंगे, जो कि कई सारे वीडियो मनोकामना के हैं, हर तरह के वीडियो आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप चेक कर लीजिए। तो चलिए अभी वीडियो पर चलते हैं। तो दोस्तों, आज का ये जो मनोकामना पूर्ति का टोटका है, इसमें आपको क्या करना है, आपको आटे के दीपक बनाना है, ठीक है। 5 दीपक चाहिए हमें आटे के बने हुए, ठीक है। तो आटे के दीपक हमें कैसे बनाना है, जनरली हम जो रोटी के लिए आटा गूंथते हैं उस तरह से आपको आटा गूंथना है, बस उसमें एक चुटकी हल्दी डाल लेनी है, ठीक है। 5 दीपक बनाने हैं हमें आटे के, ठीक है। तो हमको जितना, हमको लगभग एक कटोरी के करीब आटा ले लीजिए आप, गेहूं का आटा, उसमें चुटकी भर हल्दी डाल लीजिए। अब इसे आपको गूंथ लेना है, थोड़ा सा टाइट गूंथ ले ताकि आपके दिए बनने में आसानी रहे, ठीक है। अब आप 5 दीपक बना लीजिए। 5 दीपक बनाने के बाद में आपको क्या करना है, इस टोटके को हमें करना है मंगलवार को, ठीक है। मंगलवार के दिन हमें इस टोटके को करना है, तो मंगलवार को आपको ये 5 दीपक तैयार कर लेने हैं। अब सुबह या शाम के समय, सवेरे 8 बजे से पहले या फिर शाम को 6 से 7 के बीच, ठीक है, ये आपको उपाय कब करना है, या तो सुबह 7 से 8 के बीच या फिर शाम को 6 से 7 के बीच में इस उपाय को करना है आपको। आपको इन 5 दीपक को लेकर आपके घर के पास में जो भी हनुमान जी का मंदिर हो, बालाजी का जो मंदिर होता है वो हो, वहाँ पर आपको इन 5 दीपक को लेकर जाना है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, कहीं भी, जहाँ भी रहते हैं, जो भी मंदिर आपको नज़दीक पड़ता है बालाजी का, वहाँ पर आपको इन 5 दीपक को ले जाना है। ले जाने के बाद में आपको इन 5 दीपक को बालाजी के चरणों में रख देना है। वहाँ पर आपको साथ में तेल ले जाएं, दीपक को हमें घर से जलाकर नहीं ले जाना है, आप घर से तेल ले जाएं, आप घर से बत्ती ले जाएं और वहां पर हमें इन्हें जलाना है। अब किस तरह से जलाना है, तेल जो है इन दीपक में, अगर आप चमेली का तेल लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे से काम करेगा ये टोटका। वैसे तो आप कोई भी तेल, घी, कुछ भी ले सकते हैं, पर चमेली का तेल अगर आपको मिल जाता है तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको मंदिर में 3 दीपक जलाने हैं, ठीक है। हम 5 लेकर गए हैं, उनमें से 3 दीपक आपको जलाने हैं। 3 दीपक में बत्ती रख दीजिए, आप उन तीनों दीपक में तेल डाल दीजिए, उन्हें वहीं पर आप जला दीजिए। जलाने के बाद में आपको मन ही मन में 108 बार ओम हम हनुमन्ते नमः, ओम हम हनुमन्ते नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है, मतलब पूरी माला करनी है आपको वहां पर बैठकर। इस काम में आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा समय है, 108 कोई बड़ा मंत्र है, 108 बार पढ़ना बहुत ज्यादा समय लेगा, सिर्फ आपको मुश्किल से 10 मिनट में आप ओम हम हनुमन्ते नमः इस मंत्र का जाप कर लेंगे। करने के बाद में आपको बालाजी को नमन करना है, फिर आपको अपनी मनोकामना कहनी है, जो भी आपकी इच्छा है वो वहाँ पर बालाजी से कह दीजिए। कहने के बाद में
अब जो दो दीपक हमने नहीं जलाए हैं उन्हें आपको लेकर वापस आना है, ठीक है। तीन पांच दीपक में से हमने तीन जला दिए हैं, दो दीपक हमने नहीं जलाए हैं, उन्हें आपको लेकर वापस आना है। अब उस मंदिर से आपके घर के बीच में जो भी तिराहा चौराहा पड़ता है, जहां पर तीन रास्ते निकल रहे हैं या चार रास्ते निकल रहे हैं, वहां पर आपको जला देना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि रोड के बीचों बीच जलाना है, बस जहां पर तीन रास्ते या चार रास्ते निकल रहे हैं वहां पर कहीं कोने में आपको इसे एक दीपक को जला देना है, ठीक है। और दीपक को जलाते समय आपको फिर से अपनी मनोकामना बालाजी से कहनी है, ठीक है। और वो जो पांचवा दीपक है उसे आपको आपके घर पर लेकर आना है, और घर के जो भी जहां पर भी आप रहते हैं, घर पे रहते हैं, रूम में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, जहां पर भी आप रहते हैं, वहां पर अंदर जाने से पहले जो मेन गेट होता है वहां पर ही आपको राइट हैंड साइड उस दीपक को जलाकर रख देना है, ठीक है। आगे समझ में। तीन दीपक मंदिर में, एक दीपक तिराहे या चौराहे पर, एक दीपक आपके घर के या हॉस्टल के या रूम के बाहर जो मेन गेट होता है वहां पर राइट हैंड साइड आपको जलाकर रख देना है, और बस आपको घर में प्रवेश कर लेना है। ऐसा आपको लगातार पांच मंगलवार करना है, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, सिर्फ पांच मंगलवार करना है। वैसे तो आपकी जो मनोकामना होगी वो एक या दो बार करने में ही, एक या दो मंगलवार में ही पूरी हो जाएगी, और अगर नहीं भी होती है तो आप कंटिन्यू पांच मंगलवार तक करें। याद रखें बीच में कोई भी एक मंगलवार छूटना नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि लास्ट में आपको एक मैं बहुत जरूरी बात बताऊंगी, वो यही है कि आपको लगातार पांच मंगलवार तक करना है और एक भी बीच में छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई मंगलवार छूट जाता है तो फिर से गिनती शुरू होगी एक से। जनरली महिलाओं में परेशानी रहती है, अगर आपका मासिक धर्म आ गया है या फिर कुछ ऐसी परेशानी आ गई है जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे, तो आप ध्यान रखें आपको एक से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए आप ऐसा समय चुने जहां पर आपको ये दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये थी पूरी आपको विधि, मैंने पूरी बता दी इस टोटके से रिलेटेड। अगर आपको इसमें और भी कोई कंफ्यूजन रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। बहुत ही असरदार टोटका है, आप कीजिए जरूर, आपको जरूर रिजल्ट मिलेंगे इसके, बहुत ही असरदार रिजल्ट मिलेंगे। कीजिएगा जरूर, फिर जो रिजल्ट मिलते हैं मेरे साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय।